Hello students, how are you all? I am fine. So students, today we are going to part 6, chapter number, what is this chapter? Chapter number 9, it's raining. So students, question number 4. First of all, open your notebook for subject environment. Now open it and take your pen. Very good. Now write down for new page question number 4. Put a right mark in front of the statements that are true and a square sign in front of those that are false. I repeat this instruction. Put a right mark in front of the statements that are true and a square in front of those that are false. Samajh mein aaya? Very good. Now in number 1, wet clothes do not dry quickly in the rainy season. Wet clothes do not dry quickly in the rainy season. True or false? Batao. True or false? True. रेनी सीजन में जल्दी से कपड़े सूखते नहीं हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वी कैन सी लाइटनिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन. वी कैन सी लाइटनिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन. We can see lightning during the winter season. True or false, students? False. So, square shine in this box? Very good. Now, number 3. If it is hotter in summer, there is more rainfall during monsoon. If it is hotter in summer, there is more rainfall during monsoon. True or false? Very good. True. So, right sign in this box. Now, number 4. We can see various shapes in clouds. We can see various shapes in clouds. True or false? True. Very good. Various shapes in clouds. Clouds ke bahut sare shapes bante hain. Wo hum log dekhte hain. Now number 5. Appu gave water to all the plants of the jungle. Appu gave water to all the plants of the jungle. True or false? False. So square shine in this box. Very good. Now, question number 4 is complete. Now, next question. Question number 5. Match the column appropriately. Question number 5. देखो, यहाँ पे मैंने already आपको answers fill करके ही दिया है. So, आपको वैसे ही करना है. सो पहले दो कॉलम ड्रॉ करो.
column A and column B. कर लिया. टेक योर स्केल इन योर हैंड एंड ड्रॉ टू कॉलम. बीच में लाइन करोगे ना तो आपकी दो कॉलम हो जाएंगी. नाउ कॉलम ए में 1, 2, 3, 4 and 5 नंबर्स. सो कॉलम ए में फर्स्ट नंबर रेनी सीजन, रेनी सीजन. नंबर टू टू बी सेफ फ्रॉम रेन, टू बी सेफ फ्रॉम रेन. नंबर थ्री समर. नंबर फोर लाइटिंग इन सीन इन द स्काई. नंबर फोर लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई. नंबर फाइव रेनबो. नंबर फाइव रेनबो. नाउ कॉलम बी में ए बी सी डी ई एफ. नंबर ए सेवन कलर्ड, सेवन कलर्ड. नंबर बी देन थंडर इज हार्ड, देन थंडर इज हार्ड. नंबर सी इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड. नंबर डी रेन कोट, रेन कोट. नंबर ई इट रेन्स, इट रेन्स. एफ इट इज हॉट, इट इज हॉट. सो मैच करने का टाइम है, मैच करेंगे. फर्स्ट कॉलम ए में फर्स्ट रेनी सीजन, तो नंबर कॉलम बी में कौन से अक्षर से या कौन से सेंटेंस से मैच करेंगे रेनी सीजन? वेरी गुड. नंबर ई इट रेन. सो मैच दिस, ड्रॉ द लाइन. वेरी गुड. नाउ नंबर टू टू बी सेफ फ्रॉम रेन. रेन से हमको सेफ कौन रखता है? रेनकोट. सो मैच सेकंड सेंटेंस फॉर कॉलम बी में डी नंबर से मैच इट. यस. नाउ नंबर थ्री समर. समर में क्या होता है? बहुत गर्मी. सो इट इज हॉट. समर क्या है? इट इज हॉट. सो मैच नंबर थ्री फोर कॉलम बी इन टू नंबर एफ. मैच इट. यस. नाउ नंबर फोर लाइटिंग इज सीन इन द स्काई. लाइटनिंग इन द सीन इन द स्काई. वो किससे ड्रॉ करेंगे कॉलम बी में? यस सेंटेंस नंबर बी देन थंडर इज हार्ड, देन थंडर इज हार्ड. नंबर फाइव रेनबो. रेनबो में क्या होता है? सेवन कलर. सो मैच नंबर फाइव ऑफ कॉलम बी में ए नंबर से मैच इट. वेरी गुड. उसके नीचे देखो आंसर दिए लिखे हैं मैंने, आंसर्स में लिखे हैं. नंबर वन को ई से मैच करो, नंबर बी टू को डी से, नंबर थ्री को एफ से, नंबर फोर को बी से, नंबर फाइव को ए से. हाँ तो क्या करना है हमको? आंसर्स ये लिखने हैं. ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक स्टे होम स्टे सेफ. बाय स्टूडेंट्स.